दादाबाई थाना इलाके में 9 फरवरी को घर में घुसकर मां बेटी के साथ लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने 4 थानों की अलग अलग टीमें बनाई। कई घंटों तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, डोर टू डोर सर्वे किया गया, तब कहीं जाकर बदमाशों का सुराग मिला। गौरतलब है कि 9 फरवरी को दादाबाई विस्तार योजना में 2 बदमाशों ने एक मकान में घुसकर मां बेटी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के खुलासे के लिए अलग अलग थानों से टीमों का गठन किया। तकनीकी अनुसंधान, पुराने बदमाशों से पूछताछ, सर्वे और वारदात में प्रयुक्त गाड़ी के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस की मेहनत रंग लाए और पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी छावनी निवासी मुराद अली को चिन्हित किया। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही वारदात में शामिल रहे आरोपी रौनक को भी दादाबाई पुलिस जल्द प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी। समस्त घटनाक्रम में लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे को हमारी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, साथ में अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों प्लस जो आम जन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनका निरीक्षण किया गया। चूंकि घटना काफ़ी गंभीर थी, इसको मद्देनजर रखते हुए जो 5 टीमें गठित की गई उनमें एक टीम को घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई। उसमें यह निकल के आया लगभग सवा बारह के बीच ये घटना हुई है, तो उसके आधार पे ट्रैक किया गया कि ये लोग किधर से आए हैं, किधर गए हैं। उन सीसीटीवी फुटेज में जो प्राथमिक दृष्टि से हमारे पास फुटेज आए उनको आप लोगों के माध्यम से प्रसारित किया गया और फिर उन ट्रैक को और आगे बढ़ाया गया तो उसमें इनके फुटेज काफ़ी हद तक क्लियर आए। उस फुटेज के आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया। सर, मुराद कैसे पकड़ा गया है, कौन है, कैसे? मुराद थाना गुमानपुरा का रहने वाला है और इस तरह की पूर्व में घटनाएं की गई हैं। क्योंकि इसके जो फुटेज क्लियर हुए उसके बाद हमारी टीम जो लगी हुई थी, DST की टीम थी, स्पेशल टीम है जो हमारी थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मुराद नाम का व्यक्ति है और उसके आधार पर उसको आज गिरफ्तार किया। इसका कैसे, कहाँ चोरी हुई? थाना नयापुरा में एक डॉक्टर साहब के यहाँ चोरी हुई है, उसमें रंगे हाथों उसको पकड़ा गया और चूंकि ये दोनों आइडेंटिफाई हमें हो चुके थे ऐसी स्थिति में वो गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और इस मुकदमे में उसको प्रोडक्शन वारंट के आधार पर लिया जाए।